एवरीवन, मैं हूँ शीला। वेलकम बैक माय चैनल कुकिंग विद शीला पर। तो कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। और 3 दिन से ना बारिश मेरे यहाँ रुकी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पूरी पूरी रात इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मतलब छत के पाइप्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो सुबह सुबह मैं उठी तो ऐसी बारिश हो रही थी, वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद मैंने पूरा काम फिनिश करके नहा धो के अभी मैं पूजा कर रही हूँ। जो बच्चों की क्योंकि छुट्टी थी, बारिश की वजह से बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो मैंने सोचा चलो पहले पूजा पाठ कर लेती तो उसके बाद कुछ खाने पीने को बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने सुबह की पूजा। और अगर पूजा करते हो आप सुबह सुबह तो उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है और माइंड भी बिल्कुल, मतलब जिसमें आस्था है, जिसको आप मानते हो, तो उसको एक बार जरूर प्रणाम करें, उनकी थोड़ी सी केयर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके बाउल में मैं साइड में रख दूँगी, जब खाना होगा तो कटा रहेगा और यूज़ करने में भी आसानी। तो और यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले, तो करेले के लिए बढ़िया सी स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। पूरी तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ क्योंकि मैंने पूरी रिकॉर्ड नहीं की थी, पर अगली बार बनाऊँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इतने ज़्यादा टेस्टी करेले बनकर तैयार होते हैं कि बच्चे भी खा लेंगे, कड़ुए का तो नाम ही नहीं रहता, बिल्कुल कड़ुए नहीं लगते हैं। तो पूरी रेसिपी मैं अगली बार ज़रूर शेयर करूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी खिसका की सब्ज़ी, यानी ककोड़ा की सब्ज़ी, जो बहुत लोग खिसका से जानते हैं, बहुत लोग ककोड़ा से जानते हैं। तो उसको मैंने पहले तेल में हींग डाल के खिसका को कट करके फ्राई कर लिया है, मतलब इसको धो के पहले साफ करके कट कर लिया था। और फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा तेल, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता बस थोड़ा सा, इसको मतलब करीब 70% हमने फ्राई कर लिया। उसके बाद ये सरसों, जीरा, सौंफ, ये मैंने डाला है, सेम कढ़ाई लिया है और सरसों का तेल डाला है, उसके साथ थोड़ी सी हींग और ऐड करेंगे तो बहुत ही टेस्टी सा तड़का इसका तैयार करते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 मिर्ची डाली है, उसके बाद बारीक कटा हुआ 1 प्याज डाल देंगे और इसे भी फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। और ये जब सॉफ्ट हो गया प्याज तो उसके साथ हमने यहाँ पे डाल दिया है 1 बड़ी साइज का टमाटर कट किया हुआ, और साथ में जाएंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे नॉर्मल से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं, पर मैं हरी सब्जी में गरम मसाला बहुत कम डालती हूँ। और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम जो फ्राई किए हुए खिसके रखे थे, और इसको चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। तो ऐसे सब्जी बनकर हमारी बहुत टेस्टी सी, बिल्कुल सुखी सी चटनी तैयार हो जाती है। और उसके बाद ये मैं एक किचन आइटम्स लाई थी अपने किचन के लिए, मेरा पहले था तो बहुत दिनों से ख़राब हो गया था, मैं बहुत दिनों से मतलब ऐसे यूज कर रही थी। तो बर्तन स्टैंड है जो बर्तन धो के रखा जाता है, मैं अभी तक मतलब ऐसे तसले रख के यूज कर रही थी, पर क्या होता ना उनमें पानी जो नीचे रह जाता है, तो मैं कई दिनों से सोच रही थी और मार्केट जाती थी वापस आ जाती थी नहीं लाती थी। उसके साथ ही मेरा पिज्जा कटर ख़राब हो गया था तो उसको भी मैं लेकर आ गई हूँ। तो आज मैं गई थी तो मैंने सोचा फाइनली आज इसको लेकर ही जाती हूँ। और पर क्या हुआ ना, प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस चीज़ का पहले भी डाउट था कि टाइल्स नहीं लगी है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे सिंक है, तो उसके लिए मुझे डाउट था कि ये जो है प्रॉपर नहीं बैठेगा। तो उसके मैंने एक जुगाड़ सोचा और जिस चीज़ के डिब्बे होते कट करके उसको रख दिया और मेरा अच्छे से सेट हो गया। और यहाँ पे मैं जो धो के बर्तन रखी थी यहाँ पे सेट कर दूँगी। और ये तसला मैं यूज करती थी अभी तक, तो अभी इसको मैं कर दूँगी बाहर। हम सो गए थे और इसको कट कर दिया क्या, ये पूरे न्यू गमले लेके आए थे ये देखो, ये पूरा सब चेंज कर दिया, सब न्यू लगा दिए।
सारे पेड़ों की रुपाई हो रही है और ये उसको अंदर वाला भी मनी प्लांट करना। चलो और यहाँ पे हबी जी देखिए ना, दूसरे दिन का वीडियो हो जब मैंने आपको साथ पहले शेयर किया था, जो फर्स्ट दिन जब आए थे लेके आए थे, और ये दूसरे दिन का वीडियो है। ये जो पहले वाले प्लांट है, पुराने वाले प्लांट है, उनकी जो है मिट्टी चेंज कर रहे हैं। उनकी जो क्या होता है ना, जब बहुत बड़े प्लांट हो जाते हैं तो उनकी जड़ें जो है जाल बना लेती हैं, तो उनको फोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारे पेड़ों को फिर से जो है फोड़ के अच्छे से निकाल के उनकी जड़ें वगैरह साफ करके फिर से न्यू मिट्टी के साथ पांस वांस खाद डाल के लगाएंगे। और ये ना जो मैं पेड़ दिखा रही थी, बहुत बड़ा पेड़ था, इन्होंने इसको भी निकाल दिया। तो मैं बोल रही थी क्यों निकाला, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था। और यहाँ पे जो घर का मनी प्लांट था, ये पता नहीं किस लिए सूख रहा था, ख़राब हो रहा था, तभी इसको भी मैंने बोला चलो चेंज कर। मेरा और फूल गया, इसके नीचे वाला डिब्बा धो दे भैया। हाँ अभी दे रहे हैं, पूरा इसका पूरा चेंज होगा, पूरा सारा कुछ चेंज करोगे ना। तो जो मेरा आरो था ना, इसका स्वाद पानी का भी मुझे चेंज लगने लगा था। तो आज इसकी पूरे पार्ट को चेंज करना, यहाँ तक कि इसका मोटर भी हम चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि कई सालों का हो गया और हमने मोटर नहीं चेंज करवाया। बाकी तो पार्ट चेंज होते रहते हैं पानी की सफाई वगैरह के लिए, पर इस बार मैं मोटर भी चेंज करवा रही हूँ। तो इसका पूरा जो है, मतलब बुलाया था मैंने मैकेनिक को और उसने सारा कुछ जो है न्यू लेकर आया है और सारा कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि पानी हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि इस पानी के बिना हमारा जीवन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अगर पृथ्वी पे है तो पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको ना मैं पहले बाहर लगवा रहा हूँ, सारा मतलब नया हो गया बिल्कुल। इसको भी मैंने किचन में सेट करवा दिया, क्योंकि बाहर मुझे बार बार पानी लेने के लिए जाना पड़ता था और किचन में जगह भी मैंने छोड़ रखा था। उसके बाद ये शाम को हम दे रहे हैं बच्चों को हल्दी वाला दूध, क्योंकि इस समय मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, बच्चों बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्दी रहता है, तो इसे ज़रूर पीना चाहिए। तो और उसके बाद ये मैंने टेस्टी शाइले। तो अगर मेरा वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, जो चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके लाइक प्रेस करें, ताकि